Hello students, today I am going to discuss about polynomial, chapter 2nd of NCERT class 10th. Polynomial, an algebraic expression px equal a naught plus a1x plus a2x square plus and so on plus anx की पावर n। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान देनी होगी इस एक्सप्रेशन पर। पहली बात, an नॉट भी जीरो, an जीरो नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग, n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, n नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब वो होल नंबर है। और थर्ड थिंग, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, ये सभी रियल नंबर्स हैं। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, वे ए एन नॉट बी जीरो, यानी जो यहाँ पे एन पावर पे आप ले रहे हैं तो उसका मल्टीपल जीरो नहीं होगा, यानी मैक्सिमम पावर वाले का मल्टीपल जीरो नहीं हो सकता है। एन इज नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी होल नंबर है। और ये ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये क्या है, रियल नंबर है। इसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं वेरिएबल एक्स में। दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ये वेरिएबल एक्स में पॉलिनोमियल है, क्लियर। अब जैसे हम मान लीजिए हम ए जीरो प्लस ए वन एक्स लिखे, तो यहां पे एक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या है, वन। एक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या है, वन। इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ए वन वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ए वन जीरो हो गया तो ये टर्म हट जाएगा, तब ये लीनियर रह नहीं जाएगा। और ए नॉट ए वन क्या है, ए नॉट और ए वन ये रियल नंबर में है, ये रियल नंबर है, बिलोंगिंग टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ए नॉट ए वन बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर है। अब अगर हम डिग्री टू में लेना चाहें तो क्या करेंगे, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी वही बात आएगी, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो गया तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तब ये बचेगा लीनियर। तो इसलिए ए टू नॉट इक्वल टू जीरो, और ये बाकी क्या है, ए नॉट ए वन ए टू क्या है, ये सब रियल नंबर है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग इस तरह से पॉलिनोमियल्स को बनाते हैं। इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन डिग्री एन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है। अब जैसे लीनियर का हम जनरल रूप कैसे लिखते हैं, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ये जनरल डिनोशन है लीनियर पॉलिनोमियल का, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल। क्वाड्रेटिक को कैसे दिखाते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक को इस तरह से दिखाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पे भी आप क्या कहेंगे, ए नॉट बी जीरो, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जीरो नहीं होना चाहिए, और ए बी सी ऑल आर रियल नंबर, ऑल आर रियल नंबर। क्यूबिक को कैसे दिखाएंगे, क्यूबिक के लिए हम लेंगे
क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल, अब पावर क्या हो जाएगी, थ्री पावर हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए नॉट बी जीरो, ए बी सी डी आर जीरो, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को जनरली इस तरह से डिनोट किया जाता है, क्वाड्रेटिक को इससे डिनोट किया जाता है, क्यूबिक को इससे डिनोट किया जाता है, और जितनी डिग्री का हम पॉलिनोमियल बनाना चाहे हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, और सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले हम लोग वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल पे बात करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड लेट एक्स इक्वल ए बी एनी रियल नंबर, या एक्स इक्वल के बी एनी रियल नंबर, देन पीके, पीके मीन्स क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल के, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वेरिएबल के, ठीक है, कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के पे हम लोग जब बात करते हैं, देन पीके इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल के। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल लिखा है आपका, अब हम यहां पे क्या है पी के की वैल्यू क्या होगी, यानी के पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की जगह पे हम के रख देंगे, एक्स की जगह पे के रख करके कैलकुलेट कर देंगे, एक्स की जगह के रख करके कैलकुलेट करने पे जो रिजल्ट आएगा वही उसकी वैल्यू है। दैट मीन्स एक तरह से हम कहें कि किसी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की, यानी पॉइंट एक्स के पे जो पी के आ रहा है, ये दोनों एक तरह से एक कोऑर्डिनेट पॉइंट फॉर्म करते हैं इन कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन का एक पॉइंट फॉर्म हो जाता है। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, फाइंड पी टू एंड पी माइनस वन। पी टू एंड पी माइनस वन, अब सोल्यूशन आइए, वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। अब पी टू का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू टू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है हमें, एट एक्स इक्वल टू पी टू इक्वल टू इंटू एक्स की जगह टू रखिए टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स की जगह टू प्लस फाइव। अब टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस फाइव, दिस इज सेवन। तो सेवन इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू, आल्सो एट एक्स इक्वल माइनस वन पी माइनस वन, सब्स्टिट्यूट माइनस वन इन प्लेस ऑफ एक्स, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस फाइव।
माइनस वन का स्क्वायर वन, वन टू जा टू, माइनस माइनस प्लस, टू थ्री, थ्री वन जा थ्री, प्लस फाइव, तो टू प्लस थ्री प्लस फाइव इक्वल टेन. टेन इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन एट एक्स इक्वल माइनस वन. इफ इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल के becomes zero. If value of polynomial at x equal k becomes zero, then we will say k is the zeros of polynomial. K is the zeros of polynomial. अगर किसी x की किसी value पे polynomial की value zero हो जाती है तो x की वह value उस पॉलिनोमियल का जीरोज होती. अब जीरोज के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. टिल देन गुड बाय. थैंक यू.